प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम आज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इसकी टाइप्स जो हैं वो देखेंगे। तो लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज इज वे ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक, किस तरह से आप कम्युनिकेट करते हैं। और अगर हम इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, तो प्रोग्रामिंग होती है बेसिकली के सॉफ्टवेयर बनाना, कोड लिखना, ठीक है, प्रोग्राम करना। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग के लिए यूज होती है। और प्रोग्राम हमें पता है क्या होता है, प्रोग्राम कहते हैं सॉफ्टवेयर को। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में क्या है जी? इट इज वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर, मतलब हमने कंप्यूटर के साथ जो कम्युनिकेट करना है वो इसकी मदद से करना है। अब जैसे आप ये देखें कि ये जो सॉफ्टवेयर आपको नजर आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये बेसिकली अगर मैं इसको ये मूव कर रहा हूँ तो मैं इसके सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ठीक है, सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि इसके अप एंड डाउन करे। और ये किसकी मदद से पॉसिबल है? कि ये सॉफ्टवेयर है तो उसकी मदद से ये पॉसिबल हुआ है ना। तो ये वे ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। जितने भी आपके कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। अब साथ ये भी बताया जा रहा है कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर को डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने की जो है वो डायरेक्शंस देते हैं। अब वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या एक्चुअली कोड किस तरह का होता है वो अभी हमारा टॉपिक नहीं, वो नेक्स्ट जब हम प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि इंस्ट्रक्शंस कैसे होती हैं। लेकिन इसमें एक कोड होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि हम कंप्यूटर्स को देते हैं ताकि वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सके। अब जैसे ये देखे ना, अगर आप स्काइप यूज करते हैं तो स्काइप क्यों यूज करते हैं फॉर कम्युनिकेशन? तो स्काइप अगर आप कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, और अगर आपने एक लैपटॉप या कंप्यूटर न्यू लिया है और उसमें आपने अभी स्काइप इंस्टॉल नहीं किया, तो आप उससे कॉल, वीडियो कॉल नहीं कर सकते। हालांकि आपके पास कंप्यूटर भी है, आपके पास लैपटॉप में वेबकैम भी है, माइक भी है, लेकिन आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके सिस्टम को नहीं पता कि ऑनलाइन वीडियो कॉल कैसे करनी है। जब आप स्काइप उसमें इंस्टॉल कर रहे हैं, बेसिकली आप एक प्रोग्राम कॉपी कर रहे हैं। और वो प्रोग्राम क्या है? सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो बताता है कि ये काम कैसे करना है। फिर नेक्स्ट अगर आप देखें, अ कंप्यूटर प्रोग्रामर समटाइम्स कॉल्ड अ डेवलपर क्रिएट्स और मॉडिफाई कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अब जो कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है, जो कि मतलब सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बनाता है, उसको डेवलपर भी कहते हैं, ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है वो क्या करता है? वो कंप्यूटर प्रोग्राम बनाता है, एडिट करता है, मॉडिफाई करता है, उसको अपडेट करता है, उसमें न्यू इन्वेंशंस लेके आता है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को थोड़ा सा देख लेते हैं कि जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। सेट ऑफ एब्रीवेशन वर्ड्स सिंबल्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो इस तरह का होता है, मतलब आपको अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड दिखाया जाए, वो मैं आपको एंड पे दिखाऊंगा, तो आप उसमें देखेंगे कि वो ऐसे ही आपको नजर आएगा जैसे कोई सिंपल्स, कोई छोटे छोटे एब्रीवेशंस या सिंपल वर्ड्स हैं इंग्लिश के जो कि इसमें यूज होते हैं। इन एब्रीवेशंस को, सिंपल्स को, वर्ड्स को यूज करते हुए कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है वो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करता है। अब ये जैसे ह्यूमन डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं या यूज करते हैं, मतलब हम इंग्लिश यूज करते हैं, उर्दू है, फ्रेंच है, पंजाबी है, सिंधी है, हिंदी है, ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं इंसान बोलते हैं, इसी तरह से कंप्यूटर भी डिफरेंट लैंग्वेजेस कंप्यूटर में यूज होती हैं जो कि डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाते हैं। मतलब अगर आपने गेम्स बनानी है तो आप C++ यूज करते हैं, आप ऊप यूज करते हैं यानी कि जावा भी यूज करते हैं, मतलब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स यूज करते हैं। लेकिन अगर आप वेबसाइट्स की तरफ चले जाएं तो आप HTML यूज करते हैं। ये अभी वर्ड्स आपके लिए न्यू भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो जितनी ये लैंग्वेजेस हैं बेसिकली, ये जब आप नेक्स्ट क्लासेस में आप देखेंगे, जब आपको पढ़ाया जाएगा कि जब आप वेब डिजाइनिंग करेंगे तो आपको HTML पढ़ाई जाएगी, जब आप गेम डेवलपमेंट करेंगे तो आपको C++, जावा, इस तरह की लैंग्वेजेस पढ़ाई जाएंगी। डिफरेंट लैंग्वेजेस डिफरेंट किस्म के जो प्रोग्राम्स हैं उनको डिजाइन करने के लिए
सॉफ्टवेयर जो है उनको डिजाइन करने के लिए यूज होते हैं। अब वो आजकल जो है बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एग्जिस्ट कर रही है, और जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं हर लैंग्वेज के अपने कुछ रूल्स हैं, ठीक है। जैसे आप ये देखें इंग्लिश लैंग्वेज है तो इसके ही अपने एक रूल है जिसको ग्रामर कहते हैं, कि मतलब पास्ट टेंस है तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे, फ्यूचर टेंस है कैसे लिखेंगे, ठीक है, अगर वो कंटिन्यूस टेंस है तो उसमें कहाँ पे आपने इज लगाना है, कहाँ पे वाज लगाना है, कहाँ पे आपने उसके कौन सी फॉर्म लगानी है वर्ब की, ये सारी चीजें क्या है, ग्रामर जिसे हम कहते हैं रूल्स, इंग्लिश लैंग्वेज के रूल्स। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो रूल्स होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं सिंटैक्स, ठीक। ये आपने टर्म याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, कि जब कभी कहीं पे कहा जाए कि जी आपका सिंटैक्स गलत है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं और कहा जाए सिंटैक्स रॉन्ग है, तो इसका मतलब है आपसे कहा जा रहा है कि आपने रूल को फॉलो नहीं किया। अब जो लैंग्वेजेस जो हैं वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए और लैंग्वेजेस हैं, बिजनेस सॉल्यूशंस के लिए और हैं, वेब पेज डेवलपमेंट के लिए और हैं। ये मैंने आपको भी एग्जांपल दी कि डिफरेंट टाइप्स के लिए डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस जो हैं वो यूज होती हैं। अब नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो मेन टाइप्स हैं। दो मेन टाइप्स कौन सी हैं, एक है जी लो लेवल लैंग्वेज और एक है हाई लेवल लैंग्वेज। बेसिक जो कैटेगरीज हैं वो टू हैं, लो लेवल और हाई लेवल। फर्स्टली हम इसको लो लेवल लैंग्वेज को जो है वो डिस्कस करेंगे। लो लेवल लैंग्वेज जो है ये, इसको आप इस तरह से रिमेम्बर रखें कि ऐसी लैंग्वेज जो क्लोज टू कंप्यूटर, क्लोज टू मशीन्स, ऐसी लैंग्वेजेस जो कंप्यूटर्स के करीब हैं या क्लोज हैं, या आप कह लें कि जिनको कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, उनको हम कहते हैं कि ये लो लेवल लैंग्वेजेस हैं। और जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ये लिखा हुआ है इट इज मशीन डिपेंडेंट, ठीक है। मशीन डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसे देख लें कि ऐसा प्रोग्राम जो लो लेवल लैंग्वेज में लिखा गया हो, ठीक, मतलब क्या है कि ऐसा प्रोग्राम जिसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम या कोड या सॉफ्टवेयर बना है, वो सॉफ्टवेयर जो है जिस कंप्यूटर या जिस मशीन के लिए, जिस सिस्टम के लिए डिजाइन किया गया है, वो उसी मशीन के लिए जो है वो यूज होगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा प्रोग्राम है जो लैपटॉप्स के लिए यूज के लिए बनाया गया है, ठीक है, तो वो फिर उसी लैपटॉप या उस लैपटॉप के उसी मॉडल के लिए जो है वो यूज होगा, किसी और में यूज नहीं होगा। अब जैसे आप ये देखें कि आप स्काइप यूज करते हैं, तो स्काइप जो है वो आप अपने लैपटॉप में भी यूज कर रहे हैं, आप अपने कंप्यूटर में भी यूज कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल में भी यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि स्काइप को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप डेस्कटॉप है, कुछ भी है, वो स्काइप जो है वो वर्क कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो जिस डिवाइस के हैं वो उसी में चल रहे हैं। मसलन अब आपके ये जो मोबाइल्स हैं, ठीक, या आपका ये जो लैपटॉप है, लैपटॉप में आप वेबकैम इंस्टॉल करते हैं, तो जो वेबकैम का सॉफ्टवेयर है वो इसी लैपटॉप के लिए ही यूजेबल है, ठीक है। इस तरह से इसकी आगे जाके हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में इसकी एग्जांपल्स को ये मजीद डिस्कस करेंगे। दीज प्रोग्राम्स आर नॉट पोर्टेबल टू अदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ये वही बात है जो पीछे कही गई है। पोर्टेबल का मतलब है एक चीज को एक जगह से कैरी करके दूसरी जगह आप ले जाएं और यूज करें। यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है, जो लो लेवल लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर लिखा जाएगा, उसको आप किसी दूसरे सिस्टम पे यूज नहीं कर पाएंगे, ये उसी सिस्टम में यूजेबल है जिस सिस्टम के लिए ये बना है। उसके बाद जी कंप्यूटर्स इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये भी आपने याद रखना है। लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंड करना इजी होती है। कैसे होती है अभी हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। फिर लो लेवल लैंग्वेज के लिए वो कहता है कि मशीन आर्किटेक्चर, मतलब कि आपको
कंप्यूटर्स का या कंप्यूटर के आर्किटेक्चर का काफी आप कह लें कि डीप नॉलेज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मशीन ये जो लो लेवल लैंग्वेज है, इसको इसमें प्रोग्राम करने के लिए या इसकी प्रोग्रामिंग करने के लिए आपने जिस चीज का सबसे ज्यादा ख्याल रखना होता है वो ये है कि आपकी मशीन जो है, मशीन से मतलब कंप्यूटर, आपका जो कंप्यूटर है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, उसके मुताबिक ये बनेगा। तो आर्किटेक्चर जो है, उसका डिजाइन जो है, अगर उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो ही आप इसको डिजाइन कर पाएंगे। दो टाइप्स हैं जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये जो लो लेवल लैंग्वेज है इसकी फर्दर टू टाइप्स हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो है इसको अभी हम डिस्कस करते हैं, ये क्या है। मशीन लैंग्वेज जो है ये कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज है। नेटिव लैंग्वेज का मतलब है कि ये ऐसी लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है, और जैसे हम कहते हैं कि ये किसी की अबाई लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी नेटिव लैंग्वेज है, इसको फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। जनरेशन जैसे होती हैं, जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर की जनरेशन थी, इसी तरह से लैंग्वेज की अगर जनरेशन में देखा जाए तो ये फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। कंप्यूटर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है, मतलब क्या है कि कंप्यूटर को इसे ट्रांसलेट करने के लिए किसी किस्म की अंडरस्टैंड करने के लिए किसी किस्म की ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। जैसे उर्दू है तो उर्दू कोई बोले तो हम डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई इंग्लिश बोल ले तो हमारा ब्रेन पहले उसे ट्रांसलेट करता है और फिर हमें बताता है इसका ये मतलब, ठीक है। समझ हमें आ जाती है लेकिन उसकी ट्रांसलेशन रिक्वायर होती है, उर्दू की ट्रांसलेशन रिक्वायर नहीं होती, हम फौरी तौर पर कर रहे होते हैं। तो इसी तरह इसको भी जो है वो मशीन लैंग्वेज जो है इसकी ट्रांसलेशन रिक्वायर नहीं होती। मशीन लैंग्वेज जो है ये बाइनरी फॉर्म में होती है, जीरो एंड वन की फॉर्म में। जीरो एंड वन की फॉर्म का मतलब क्या है कि मशीन लैंग्वेज में जो लिखा हुआ कोड है वो आपको इसी तरह से नजर आएगा जैसे बाइनरी नंबर्स लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे मशीन कोड, ये मैं आपको यहाँ पे कुछ लिख के नंबर्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं, आप मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड देखेंगे तो वो आपको इस तरह से लिखा हुआ नजर आएगा, 01110। अब ये क्या चीज होती है वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन मशीन कोड आपको इस तरह से लिखा हुआ नजर आएगा। यही वजह है कि कंप्यूटर इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर जो है ये बाइनरी नंबर्स पे काम करता है, तो कंप्यूटर खुद एक डिजिटल और बाइनरी नंबर्स पे काम करने वाली डिवाइस है, तो कंप्यूटर इसको फिर इजीली अंडरस्टैंड कर पाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है जी, इट इज डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन टू अंडरस्टैंड एंड लर्न इट, ठीक है। हमारे लिए इसको अंडरस्टैंड करना, लर्न करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अभी यहाँ पे मैंने नंबर्स लिखे थे, अब वो नंबर्स से अगर आपने उनको देखा हो तो वो ऐसे ही था जैसे 01110001 कुछ लिखा हुआ है, वो क्या है, वो किस, वो मिल के क्या बनाएंगे हमें कोई पता नहीं। फिर जी इस इट इज डिफिकल्ट टू लोकेट एंड रिमूव एरर्स इन प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में एरर लोकेट करना, रिमूव करना मुश्किल है। तो मुश्किल क्यों है? डेफिनेट सी बात है कि देखें, अब वो एक नंबर लिखा हो 1100001, तो अब उसका आप अगर उसमें कोई एरर आ जाए, ठीक है, उसमें किसी किस्म का कोई एरर है, इस कोई 01 कोई इस तरह से कोई चीज आपने लिखी है और वो लिखते हुए जो है वो आप कह लें कि कोई 1001 मिसप्लेस हो गया है, तो अब आपको उसको लोकेट करना, फिर उसको रिमूव करना, अपडेट करना डिफिकल्ट होगा, ठीक है ना। मतलब ये जैसे इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है, इसमें तो चेंजिंग करना आसान है, लेकिन कोई 1100001 हो उसको अपडेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इट इज डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर। डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड का मतलब क्या है कि ट्रांसलेशन नहीं रिक्वायर्ड, कोड लिखा है, सिस्टम को दिया है, सिस्टम काम कर रहा है, दैट्स इट। मशीन लैंग्वेजेस जो है, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स जो है ये मशीन डिपेंडेंट होते हैं, मतलब ये कि ये जो कोड है ये जिस मशीन के लिए, जिस सिस्टम के लिए बनेगा, उसी मशीन या उसी सिस्टम के टाइप के लिए ये
यूज हो सकता है। नेक्स्ट है जी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो है वो सेम वैसे ही है जैसे कि मशीन लैंग्वेज होती है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज ऐसे ही है जैसे मशीन लैंग्वेज है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें 0-1 जो होते हैं नंबर्स मशीन लैंग्वेज के, उसको थोड़ा सा रिप्लेस किया जाता है इंग्लिश लाइक वर्ड से, और जो इंग्लिश लाइक वर्ड से रिप्लेस किया जाता है इसको कहते हैं निमोनिक्स, ठीक है। निमोनिक्स का मतलब क्या होता है कि चीजों को, एक चीज को किसी दूसरी चीज से रिप्लेस करना। फॉर एग्जाम्पल आप कह देते हैं कि जहां पे कहीं पे ऐड करना है, तो ऐड के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं हम ये यूज करेंगे। हमने कहीं पे मल्टीप्लाई करना है तो हम कहते हैं जी हम उसके लिए ये सिंबल यूज करेंगे। हम कहते हैं जी जहाँ पे हमने मॉड लेना है तो हम मॉड लेने के लिए ना ये साइन यूज करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जब ये ऐड लिखा हुआ है और ऐड के आगे ऐसे कुछ नंबर्स लिखे होंगे, तो एटलीस्ट हमें ये आसानी हो जाएगी, ये तो नहीं पता अभी आपको कि ये नंबर क्या कर रहे हैं, लेकिन ये को क्या नंबर है क्या, लेकिन आपको ये पता चल गया है कि ये कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये फर्क है कि अगर आप इतना पोर्शन देखें तो मशीन लैंग्वेज में ये होता था सिर्फ, लेकिन अगर आप देखें असेंबली लैंग्वेज तो वो आपको इस तरह से नजर आएगी। अब इसमें नेक्स्ट क्या है कि मशीन लैंग्वेज जो है इसको कहा जाता है सिंबॉलिक लैंग्वेज। सिंबॉलिक लैंग्वेज का मतलब क्या है कि इसमें डिफरेंट किस्म की सिंबल्स यूज होती हैं, ठीक है। ये ऊपर जो लिखा हुआ है निमोनिक्स, निमोनिक्स का मतलब होता है चीजों को किसी दूसरी चीज से रिलेट करके रिप्लेस कर लेना। मतलब मैंने जैसे आपको कहा कि जहां पे मैं ये साइन यूज करूंगा, आपने समझ जाना है मॉड लिया जा रहा है, मैं जहाँ पे ये यूज करूंगा आपने समझ जाना है मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट टाइम जहाँ पे हम लिखा होगा आपको पता होगा मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। निमोनिक्स इस तरह से जो है वो होता है। बहरहाल अब हम बात कर रहे थे कि सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है, सिंबल्स यूज होती हैं, ठीक है। वो कहते हैं सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन जो है, एब्रीवेशन जो है, इससे क्या होता है कि जो है ना आपको चीजों को अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है। मतलब वो देखें, वो कहता है एक प्रोग्रामर जो है वो सी लिख देता है कंपेयर के लिए, एल फॉर लोड, एम फॉर मल्टीप्लाई, तो एटलीस्ट आपको अब अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि सी लिखा है तो कंपेयर होंगे, एल लिखा है लोड हो रहा है, एम लिखा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एटलीस्ट कोड की थोड़ी सी सेंस आपको पता चल जाएगी। अदरवाइज अगर आप मशीन कोड देखते तो वो सिर्फ 1100001, तो आपको ये अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल होना था कहाँ पे लोड हो रहा है, कहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, कहाँ पे कंपेयर हो रहा है, कहाँ पे ऐड हो रहा है, ये डिफिकल्ट टास्क है। नेक्स्ट है जी असेंबलर। तो असेंबली लैंग्वेज चूंकि उसमें इंग्लिश के वर्ड्स आ गए हैं, और मैंने आपको हमने ये पढ़ा हुआ है कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ 0 और 1 को अंडरस्टैंड कर सकता है, बाइनरी नंबर्स को अंडरस्टैंड कर सकता है, तो फिर हमें एक ट्रांसलेटर रिक्वायर होता है कि जो हमने इसमें ये कोड्स यूज किए हैं इन कोड्स को ट्रांसलेट कर सके, और वो जो सॉफ्टवेयर जो ट्रांसलेट करता है इस लैंग्वेज को कि ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके, उसे हम कहते हैं असेंबलर। असेंबलर बेसिकली ये काम कैसे करता है, आप असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखेंगे, पूरा कोड आपने लिख लिया, आपके पास एक टूल, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है असेंबलर, आप उसमें अपना डाटा पुट करते हैं, वो इसको ट्रांसलेट करके मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे आप गूगल ट्रांसलेटर यूज करते हैं, उसमें आप क्या करते हैं, गूगल ट्रांसलेट को ओपन करते हैं, अपना इंग्लिश का, अरबिक का कोई उसमें मटेरियल इनपुट करते हैं, वो आपको ट्रांसलेट करके आउटपुट दे देता है, और उस आउटपुट को आप यूज कर लेते हैं। सेम चीज जो है वो असेंबली लैंग्वेज के लिए। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज होती है। मसलन क्या है कि जो जब आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड देखेंगे, प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हो, तो आप देखेंगे कि वो कोड जो है ये ऐसे ही है जैसे हमारी लैंग्वेज है, मतलब इंग्लिश में आप कह सकते हैं ऐसे ही होगा जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ, ठीक है। उसमें इंग्लिश के वर्ड्स होंगे, सिंबल्स होंगे, ठीक है, कोई उसमें आप कह लें कि जो आम रूटीन में आप इंग्लिश के वर्ड्स यूज करते हैं वो वाले वर्ड्स होंगे जो इस लैंग्वेज में
यूज होते हैं। इट इज यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज। यूजर फ्रेंडली यूजर कहते हैं हम लोग जो कंप्यूटर को यूज करते हैं। यूजर कैन लर्न अंडरस्टैंड हाई लेवल लैंग्वेज इजीली। ठीक है, जो ये कंप्यूटर है, ठीक है, जो मशीन लैंग्वेज है वो कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको यूजर यानी के हम लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब जो हाई लेवल लैंग्वेज, ये HLL का मतलब है हाई लेवल लैंग्वेज। जो हाई लेवल लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस हैं, कोड है, प्रोग्राम है, वो इंग्लिश स्टेटमेंट्स होती हैं, मतलब जैसे इंग्लिश में लिखा गया है। ठीक है, द प्रोग्राम्स आर HLL आर नॉट डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर इनको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। आप इनको इस कोड को डायरेक्टली उसके ऊपर कंप्यूटर के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, रन नहीं कर सकते। एग्जीक्यूट करने का मतलब होता है रन करना। ये जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज के होते हैं ये मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं। मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब है कि ये जिस तरह की मर्जी है आपकी मशीन, आपका सिस्टम जो भी है, ये उस पे ऑपरेट कर सकते हैं। मसलन अब आप विंडोज करते हैं तो विंडोज जो है वो अपने लैपटॉप में भी करते हैं, विंडोज आप अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर में भी करते हैं और हर लैपटॉप में करते हैं। तो हर जिस मर्जी किस्म का लैपटॉप, जिस मर्जी कंपनी का, जो मर्जी ब्रांड हो, उसमें ये विंडोज चल जाती है। इसका मतलब क्या है कि विंडोज जो है ये मशीन इंडिपेंडेंट है, ये मशीन पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी गई है। विंडोज जैसे विंडोज XP है तो ये सी लैंग्वेज में बनी थी। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। ये बात तो अंडरस्टूड है कि जो सिस्टम है वो मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, और ये जो लैंग्वेज जिसकी हम बात कर रहे हैं ये हाई लेवल है, तो कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप एक ट्रांसलेटर यूज करते हैं। ठीक है, जैसे असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर यूज होता है, इसी तरह से हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए भी ट्रांसलेटर रिक्वायर होता है। और हाई लेवल को कन्वर्ट करने के लिए दो तरह के ट्रांसलेटर यूज होते हैं, एक है कंपाइलर और दूसरा है इंटरप्रेटर। ठीक है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है इनको डिटेल से हम अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर आप फिल वक्त यही समझें, ठीक है, कि इनका बेसिक काम ये है कि आपने एक कोड हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये इसको लो लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है उसको मॉडिफाई करना, डिबग करना आसान होता है। डिबग, बग होता है एरर। ठीक है, मतलब आपके प्रोग्राम में अगर कोई एरर है तो हम कहते हैं बग। ठीक, तो डीबग एरर को रिमूव करना, एरर रिमूव करना है या प्रोग्राम को वैसे चेंज करना है, तो ये इजी होता है। हाई लेवल प्रोग्राम जो है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम जो है ये रिलायबल होता है, आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है, तो इसलिए आप जो उस पर काम कर रहे होते हैं आपको उसका प्रॉपर उसकी समझ आ रही होती है, उसको पता होता है। आप चूंकि ये मशीन डिपेंडेंट नहीं है, लिहाजा आपको मशीन का आर्किटेक्चर जो है समझने की जरूरत नहीं है, आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि लैपटॉप किस तरह का बना हुआ है, इसमें कौन सी डिवाइस कैसी है, किस आर्किटेक्चर की है, किस फंक्शनैलिटी की है। आपने जस्ट इस सॉफ्टवेयर को बना दिया है, वो हर लैपटॉप पे अब चल जाएगा। जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो कहता है कि डिस्क्राइब्स अ वेल डिफाइंड वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम। मतलब ये कि हाई लेवल लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है उसको डिफाइन कर लिखने का एक वेल डिफाइंड तरीका है। मैंने आपको शुरू में बताया कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो यूज करने के रूल्स होते हैं उनको सिंटैक्स कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज का जो सिंटैक्स है वो बड़ा क्लियर और वेल डिफाइंड होता है। आपको पता होता है कौन सी लाइन, कौन सी इंस्ट्रक्शन, कौन सा पॉइंट या फंक्शन कब, कहाँ, कैसे यूज किया जा सकता है या आप यूज करेंगे। फिर जी
These languages are mostly used for writing application programs. अच्छा ये एक चीज है कि application programs जो है उनको बनाने के लिए ये यूज होते हैं. दो तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर या सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन प्रोग्राम. सिस्टम सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर की वर्किंग, सिस्टम की वर्किंग के लिए जरूरी है, जैसे विंडोज है आप कह लें कि, या ऑपरेटिंग सिस्टम्स कह लें आप, डिवाइस ड्राइवर्स कह लें, ये सारे जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है. एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो है वो प्रोग्राम्स होते हैं जो यूजर की रिक्वायरमेंट या नीड के मुताबिक बने हैं. मतलब आपने गेम खेलनी है, गेम जो बनी वो एप्लीकेशन प्रोग्राम है. आपने चैटिंग करनी है, जो उसके लिए सॉफ्टवेयर बना वो एप्लीकेशन प्रोग्राम. आपने वीडियो कॉल करनी है, स्काइप एप्लीकेशन प्रोग्राम. आपने ये लेक्चर प्रिपेयर करना है तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम. ठीक है, तो ये इस तरह से होता है. फिर उसके बाद जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसमें बहुत से बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं. बिल्ट इन फंक्शंस का क्या मतलब होता है? बिल्ट इन फंक्शंस का मतलब होता है कि ऐसे फंक्शंस होते हैं जो पहले से मौजूद होते हैं, आपको उनके लिए पूरा कोड नहीं लिखना पड़ता. मतलब आपने आउटपुट देनी है, आप आउटपुट के लिए पूरा कोड नहीं लिखेंगे, आउटपुट वाला फंक्शन यूज कर लेंगे सिंपल. वो जहाँ पे आपने पूरा पेज लिखना था या दो पेजेस लिखने थे या 10 पेजेस लिखने थे आउटपुट के लिए, वो काम हो सकता है कि अब आपका एक लाइन में हो जाए, क्योंकि आप पहले से ही मौजूद फंक्शन जो है वो यूज कर रहे हैं. फिर वो कहता है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम जो है वो शॉर्टर होता है. शॉर्टर मतलब सिंपल, कम इंस्ट्रक्शंस होती है. मशीन लैंग्वेज में जो कोड लिखा जाता है उसमें इंस्ट्रक्शन ज्यादा होती है. हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम आप लिखेंगे वो आप ट्रांसलेट करेंगे तो वो लो लेवल या मशीन लैंग्वेज में जाएगा. और ट्रांसलेट करने के लिए हमने पढ़ा है कि हमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर चाहिए. कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है दो सॉफ्टवेयर एक तरह से आप समझ लें. इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि जो प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज ये सॉरी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसको ये ट्रांसलेट करते हैं मशीन लैंग्वेज में. आप एक प्रोग्राम बनाएंगे हाई लेवल लैंग्वेज में, कंप्लीट हो गया, आप वो कंपाइलर में या इंटरप्रेटर में उसको डालें. ठीक है, और ट्रांसलेट पे मतलब जैसे समझ लें कि ट्रांसलेट पे आपने क्लिक किया, आप उसे ट्रांसलेट का कहेंगे, वो इस कोड को कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में. मशीन लैंग्वेज में जब कन्वर्ट हो जाएगी अब वो कोड जो है वो आप देंगे अपने कंप्यूटर को और कंप्यूटर उसको यूज कर सकता है. इस तरह से ये काम होता है. ठीक है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये काम करते हैं. हाई लेवल लैंग्वेज की अब अगर एग्जांपल लें सी एंड सी प्लस प्लस. सी एंड सी प्लस प्लस यूज होती हैं और मोस्टली सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए यूज होती हैं. मैंने आपको बताया कि आपकी विंडोज जो है वो इनमें बनती है. फिर इसके बाद एक लैंग्वेज है जावा, मोस्टली गेमिंग के लिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए यूज होती है. इसके अलावा कोबल, पास्कल, फोर्ट्रान, बेसिक, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जो डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस को डिजाइन करने के लिए यूज होती हैं. फिल वक्त आपको इनके जस्ट नेम्स पता होना चाहिए कि ये क्या चीज होती है.